अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ग्रामर में से क्वेश्चन आपके पेपर में होगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, अनसीन पैसेज होगा, उर्दू में होगा और आपने उसको अटेम्प्ट करना होगा इंग्लिश में। फर्स्ट ईयर में आपकी बुक में से शॉर्ट स्टोरीज में से एक पार्ट क्वेश्चन था कि ट्रांसलेट द पैसेज इनटू उर्दू, अब आपका सीन था यानी आपके चैप्टर्स में से ही था, लेकिन ये जो उर्दू से इंग्लिश में करना है आपने, ये अनसीन होगा, कहीं से भी किसी ग्रामर से भी आपको दिया जा सकता है। तो इसको अटेम्प्ट करने से पहले आपके टेंसेस आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, आपको पहले भी मैट्रिक लेवल तक आपने ये टेंसेस यकीनन किए हुए हैं। थोड़ा सा हम इनको रिव्यू कर लेते हैं ताकि हम पैसेजेस को आसानी के साथ हल कर सकें, और ये आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो हम टेंसेज देखते हैं, टेंस है क्या। टेंस इज़ द करेक्ट यूज़ ऑफ अ वर्ब टू शो द टाइम ऑफ सम एक्शन। टेंसेस ज़माने और टेंस जिसमें कि हमें सही वक्त के बारे में, उस फेल को के बारे में का इस्तेमाल हमने करना है कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। एट विच द वर्क टेक्स प्लेस, के कौन से वक्त में ये काम वाक़या हो रहा है, मौजूदा ज़माने में या माजी में या फ्यूचर में, सही वर्ब का हमने इस्तेमाल करना है। देर आर 12 टेंसेस और 4 ऑफ प्रेजेंट, 4 ऑफ पास्ट, 4 ऑफ फ्यूचर। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट यानी मौजूदा जो ज़माना है, उसको चार हिस्सों में, उसकी चार टाइप्स हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रोग्रेसिव, और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट शोज़ द वर्क इज़ इन प्रोसेस और गोइंग ऑन प्रेजेंटली। ये वो फेल है जिसमें किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में बगैर किसी शर्त के पाया जाए। उर्दू में इसकी पहचान है ता है, ते हैं, ती हैं वगैरह, जैसे मैं खेलता हूँ, वो पढ़ती है। इसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, और ही शी इट के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस भी लगाना है। इफ़ सी एच एस एच ओ डबल एस कम एट द एंड ऑफ द फर्स्ट फॉर्म, देन वी यूज़ ई एस अदरवाइज एस। अगर हमारी वर्ब का जो वर्ड है उसके एंड में सी एच एस एच ओ या डबल एस की आवाज़, जैसे वॉश, ग्रो, गो, तो इसके एंड में एस हम लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, सॉरी ई एस लगाएंगे, अदरवाइज हमने एस लगाना है। और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस हम देखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट है यानी फाइल है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वी फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलती है, शी प्लेज़ फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलते हो, यू प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल। इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने डू नॉट का इस्तेमाल करना है और डज नॉट। डू नॉट इज़ यूज्ड विद आई, वी, यू एंड दे। अब इन्हीं सेंटेंसेस में हम देख लेते हैं, आई प्ले फुटबॉल, इसका हम नेगेटिव बनाते हैं, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, इसके बाद ही, शी और इट रह जाते हैं, और उसका नेगेटिव बनाते वक्त हमने डज नॉट का इस्तेमाल करना है। और ये याद रखें, डज नॉट इज़ यूज विद ही, शी, इट एंड एस इज़ ड्रॉप्ड, एस या ई एस जो है वो ड्रॉप हो जाता है। शी प्लेज फुटबॉल, शी डज नॉट प्ले,
ही प्लेज फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। यह है जी हमारा, इसका नेगेटिव जब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो फिर डू और डज जुमले के शुरू में आ जाएगा। क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ, डू आई प्ले फुटबॉल। क्या वो फुटबॉल खेलता है, डज ही प्ले फुटबॉल। क्या हम फुटबॉल खेलते हैं, डू वी प्ले फुटबॉल। तो जैसे ही डज जुमले में आएगा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में तो वर्ब का एस या यस ख़त्म हो जाएगा। ये था जी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नाउन या एडजेक्टिव, जिस तरह से वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं, जिस तरह से अल्लाह एक है, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, वो एक डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर, आई एम मुस्लिम। तो ये इज़ एम आर का इसमें सिर्फ इस्तेमाल करना है, और सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन, ये इसका फार्मूला है, और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस, दिस टेंस शोज द वर्क दैट इज़ गोइंग ऑन एट प्रेजेंट टाइम। इसमें हेल्पिंग वर्क कोई काम जो है इसमें जारी है मौजूदा वक्त में। इसमें मेन वर्ब नहीं होगा, जिस तरह से हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की थी। इसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जिसे इज़ एम आर, ये यूज़ होगा। और ये आपको पता होना चाहिए, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ होगा, ही शी इट के साथ इज़ का इस्तेमाल करेंगे, और जितने प्लूरल हैं उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ करना है। इसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर, और उसके बाद वर्ब की आई एन जी वाली फॉर्म, इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जिस मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। वो फुटबॉल खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। हम फुटबॉल खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। इसी का जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। और फिर जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में आ जाएगा, जैसे एम आई प्लेइंग फुटबॉल, इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल, और आर वी प्लेइंग फुटबॉल। इसके बाद है प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव यूज़ किया जाता है, और वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसमें जो है इसका स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव है, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें ये वो फेल है जिसमें किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में मुकम्मल होना पाया जाए, और इसकी मिसालें हैं जैसे मैं खा चुका हूँ, काम कर चुका हूँ। उर्दू के फिक्रे के आखिर में इसकी जो पहचान है वो है लिया है, ली है, चुका है, चुके हैं, चुका हूँ वगैरह। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने हॉकी खेल ली है, आई हैव प्लेड हॉकी। वो हॉकी खेल चुका है, ही हैज़ प्लेड हॉकी। अब ही शी इट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ और थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, आई के साथ हैव और बाकी जितने भी प्लूरल, फॉर एग्ज़ाम्पल यू, वी, दे, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ करेंगे। और इसका नेगेटिव जब हम बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़ के बाद हमने नॉट का इस्तेमाल करना है, और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे यही हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में आ जाएंगे। और अगर डबल सवाल ये है, जैसे डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स हैं क्यों और क्या, तो वो हैव और हैज़ से भी पहले आ जाएंगे। जैसे मैंने मैं हॉकी, क्या वो कब ये काम कर चुका है, व्हेन हैज़ वो कब ये काम ख़त्म कर चुका है, व्हेन हैज़ ही फिनिश्ड दिस टास्क। ठीक है, इस तरह से हैव और हैज़ से भी पहले सवालिया जो वर्ड है डब्ल्यू एच वाला वो आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट
प्रेजेंट टेंस की फोर्थ जो टाइप है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें दिस टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन विच बिगेन सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। ठीक है, इसकी जो काम जो हमने थोड़ा पहले शुरू किया था ये वो फेल है जिसमें किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में मुकर्रा मुद्दत या वक्त से जारी होना पाया जाए। जो नियर पास्ट में हमने शुरू किया लेकिन अभी भी वो काम जारी है। उर्दू में इसमें टाइम भी मेंशन किया जाता है, इसकी पहचान है। इसकी मिसालें हैं, मैं दरवाज़ा खटखटाता रहा हूँ, मैं 2 हफ्तों से खेल रहा हूँ, ता रहा हूँ, ते रहे हैं, ये इसकी पहचान है। और इसमें टाइम मेंशन है तो इसको सिंस और फॉर के साथ हम टाइम लिखेंगे। हैव बीन और हैज़ बीन के साथ हमने इसका स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव बीन या हैज़ बीन और उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी वाली, इसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है हमने। जैसे मैं 1990 से फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई हैव बीन यानी पास्ट की ये बात है लेकिन अभी भी उसमें वो कंटिन्यू है। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 1990, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल वो कई दिनों से। अगर टाइम क्लियर है, वाजे है, जिस तरह से 1990 से पिछले 2 सालों से, तो हमने सिंस लगाना है टाइम से पहले। और अगर टाइम क्लियर नहीं है, जैसे कई सालों से, कई घंटों से, तो वहाँ पर हमने फॉर का इस्तेमाल करना है। फॉर अ डेफिनेट और पॉइंट ऑफ टाइम सिंस इज़ यूज्ड, और फॉर अ डेफिनेट और पॉइंट ऑफ पीरियड फॉर इज़ यूज्ड। उसके बाद हम इसका नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो हमने हैव के बाद नॉट लगाना है। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 1990, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 ईयर्स। और नेगेटिव जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो फिर हैव जुमले के शुरू में आ जाएगा, हैव आई बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 1990। ठीक है, इस तरह से हमने इसका थोड़ा सा रिव्यू किया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है पास्ट टेंस को थोड़ा देखेंगे ताकि हम ट्रांसलेशन का पैसेज करने से पहले इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। अभी फ़िलहाल इसी की आप प्रैक्टिस करें और अपनी बुक में से कोई पैसेज ढूंढें जिसमें वो पूरा पैसेज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हो, प्रेजेंट टेंस भी हो, जिसमें यानी कंटिन्यूस भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट वाले जुमले भी हों, सिंपल प्रेजेंट के भी हों, जिसमें सिर्फ इज़ का इस्तेमाल होना है, तो वो आप उसको ढूँढ के प्रैक्टिस करें और ऐसे पैसेजेस सॉल्व करें ताकि नेक्स्ट जब हम पास्ट टेंस करें तो आपको प्रेजेंट टेंस अच्छी तरह से रिवाइज हो चुका हो। खुदा हाफिज़।